हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन गाइस अब मैं चाहता हूं अपने चैनल पे थोड़े सी अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूं बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं व्लॉगिंग शुरू करूं। आप लोग सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यार अब Hero 9 भी ले लिए तो मेरे हिसाब से अब हमको व्लॉगिंग करना चाहिए। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं KTM Duke 125 के बारे में। गाइस Duke 125 का जो प्राइस, जैसे आपको पता है, काफी ज्यादा हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ड्यूक लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों मेरा जो क्या एक्सपीरियंस रहा है KTM की बाइक्स को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ये है कि KTM की जो बाइक्स है गाइस वो इतनी कॉस्टली क्यों होती है, उसका क्या रीजन है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं Duke 125 के बारे में। गाइस Duke 125 का कॉस्टली होने का क्या रीजन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की डेट में KTM Duke 125 का जो ऑन रोड प्राइस है वो हो गया है 1,85,000, 1,85,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से प्राइस जो है वो 125 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसका प्राइस हाईली क्यों है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो गाइस इस बाइक का जो प्राइस है, सबसे ज़्यादा होने का रीज़न, सबसे पहला रीज़न है गाइस, इस बाइक में आपको मिलता है DOSC इंजन। गाइस मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में Duke 125 सीरीज में एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें आपको DOSC इंजन देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको ये भी क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, एक तो Dominar 250 आती है 2 लाख रुपीज़ के अंदर जिसमें DOSC इंजन मिलता है, नहीं तो ऐसी कोई भी बाइक नहीं आप लोगों को जिसमें DOSC इंजन मिले, सब में SOS इंजन मिलता है। DOSC इंजन का मैंने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था डुअल कैमशाफ्ट जो होता है वो दोस्तों काफी अच्छा होता है, काफी स्मूथली काम करता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा देता है। प्लस दोस्तों इस इंजन की खास बात ये होती है, इस टेक्नोलॉजी में बाइक का जो नॉइस होता है, मतलब जो टैपिड आवाज़ होती है आपको देखना, वो बहुत सारी SOS इंजन बाइक में मिलेगी बट इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड ऑब्वियसली दोस्तों DOSC इंजन में ज़्यादा पार्ट्स यूज़ करते हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हर ब्रांड उसको प्रेफर नहीं करता, लेकिन KTM प्रेफर करता है क्योंकि उसको प्रीमियम एंड क्वालिटी देना है। सबसे पहला रीज़न है इस बाइक का कॉस्टली होने का DOSC इंजन। वहीं दोस्तों अगर बात करें सेकंड रीज़न के बारे में तो वो है बाइक का लुक। देखिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक अवेलेबल है, लेकिन आज भी दोस्तों जो यंग जनरेशन बॉयज़ है उनको ज़्यादातर KTM की बाइक्स बहुत पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों KTM की जो बाइक्स होती है इनका जो लुक होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। देखिए लुक तो काफ़ी यूनिक होता ही है, बट यहाँ पर एक एडवांटेज ये मिलता है KTM की बाइक्स में कि इनका जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी फंकी होता है, और इसमें जो ड्यूक होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे पास भी Duke 390 है, पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूं, मुझे भी Duke 390 काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि इस बाइक का पावर तो है ही, प्लस इस बाइक में जो लुक मिलता है वो काफी यूनिक मिलता है। चाहता तो मैं Dominar 400 भी खरीद सकता था जो कि काफी सस्ती है Duke से, लेकिन दोस्तों Duke 390 में जो लुक है वो काफी नेक्स्ट लेवल वाला लुक है। तो इसलिए दोस्तों खासकर मुझे Duke इसलिए पसंद है क्योंकि इनका जो कलर एंड ग्राफिक होता है वो काफी यूनिक होता है, यानी कि दोस्तों ओवरऑल KTM की बाइक्स का जो लुक होता है वो काफी नेक्स्ट लेवल होता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों इस बाइक का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में, तो है बाइक के सस्पेंशन। देखिए KTM के बाइक्स में जो सस्पेंशन मिलते हैं ऑब्वियसली दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे सस्पेंशन मिलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई मुझे बोलने आएंगे कि भाई इंडिया में अपसाइड डाउन सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, टेलीस्कोपिक होना चाहिए, तो वो भाई अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात करेंगे कि एक्चुअल में Duke 125 में जैसे आपको पता है कि फ्रंट में USD अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई भी ऐसी बाइक अवेलेबल है, यहाँ तक 200cc बाइक्स भी होगी बहुत सारी जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी में आपको अपसाइड डाउन USD फॉक्स मिलेंगे। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको KTM को खरीद रहे हो तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ चीजें मिल रही है। USD सस्पेंशन जो होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो टेलीस्कोपिक से काफी ज्यादा होती है, इस वजह से भी दोस्तों KTM की जो बाइक्स होती है उसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। वही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में, तो वह है बाइक की ब्रेकिंग। देखिए दोस्तों ऑब्वियसली KTM की बाइक जो होती है उसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफी बेटर होती है, इसका रीजन
रीज़न है। पहला रीज़न ये है गाइस कि आपको इस फ्रंट में आप लोगों को बाइक में जो प्लेट मिलती है वो प्लेट की जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इसमें आपको 300 mm की प्लेट साइज़ मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये तो पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि ड्यूक 125 या ड्यूक 390 कोई भी बाइक लो, इनके फ्रंट में जो आपको ब्रेकिंग मिलती है वो 4 पिस्टन वाली मिलती है। मतलब 1 कैलिपर के अंदर 4 पिस्टन होते हैं। देखिए जो पिस्टन होते हैं वही ब्रेक शू को पुश करते हैं। जब ब्रेक शू पुश होते हैं दोस्तों हमारी बाइक की ब्रेकिंग लगती है। तो यहाँ पे 4 पिस्टन की पावर की होने की वजह से हमारी जो बाइक की ब्रेकिंग एंड कंट्रोलिंग होती है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली होती है। इस वजह से दोस्तों ये जो बाइक होती है इनकी ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी बेटर मिलती है। यानी कि कह सकते हो सीधा सीधा कि बाइक काफ़ी सेफ है। इस वजह से भी दोस्तों KTM की बाइक थोड़ी सी कॉस्टली होती है। वही दोस्तों इसका जो नेक्स्ट रीज़न है वो है बाइक की परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली दोस्तों KTM की बाइक्स को उनके पावर एंड परफॉर्मेंस के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ड्यूक मतलब पावर, RC मतलब पावर, एंड ऑब्वियसली दोस्तों आपको ड्यूक 125 में भी काफी अच्छा पावर मिलता है। 14.5 PS का पावर आपको इस बाइक में मिलता है। तो यार आप ये सोचिए 125 cc बाइक में 14.5 का PS पावर मिल रहा है आपको, और क्या पावर चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि ड्यूक 125 का जो प्राइस है इस वजह से भी काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से भी मैं बिल्कुल बोलूंगा कि बाइक का जो प्राइस है वो ओवर प्राइस हो चुका है, ये भी मैं जानता हूं। अगर इस बाइक को ऑलमोस्ट अगर 160,000-170,000 के आसपास भी अगर ये बाइक रहती तो तब तक ये वैल्यू फॉर मनी बाइक थी, बट 185,000 मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी बाइक नहीं रही है गाइस। बस मैं आपको ये रीजन बता रहा हूं कि बाइक का प्राइस ज्यादा क्यों है, ये मेरा आज का वीडियो का पर्पस है। बाकी मैं जानता हूं कि बाइक थोड़ी सी ओवर प्राइस हो चुकी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में कि क्यों महंगी है, तो वो है दोस्तों बाइक के टायर्स। देखिए दोस्तों ड्यूक यानी KTM के बाइक्स का मुझे एक चीज काफी पसंद लगता है, जो कि आपको पता है चाहे आप ड्यूक 125 ले लो चाहे आप ड्यूक 390 ले लो, सभी में आपको सेम टायर साइज मिलते हैं। यानी कि टायर साइज जो है वो काफी ज्यादा है KTM की बाइक्स के। अब यहां पे अगर आप एग्जांपल दूं आपको तो बजाज की डोमिनार 250 और डोमिनार 400 को देख लो। बजाज ने डोमिनार 250 बनाई तो उसके टायर छोटे कर दिए, तो ये मुझे नहीं पता कि कौन सा सेंस है। और आप लोग बोलोगे कि भाई KTM की बाइक्स की महंगी है, पर आप ये तो देखो कि आपको ड्यूक 125 में क्या क्या चीजें मिल रही है। गाइस इसमें आप लोगों को काफी बड़े टायर्स मिलते हैं, और ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको बड़े टायर्स मिल रहे हैं तो टायर का जो प्राइस होता है वो काफी ज्यादा होता है। जो बड़े टायर साइज होते हैं उनका प्राइस भी ज्यादा होता है। इस वजह से भी दोस्तों ड्यूक 125 कॉस्टली है। भाई दोस्तों आप लोगों को इस बाइक में जो फीचर्स मिलता है ना वो काफी नेक्स्ट लेवल मिलता है। देखिए ड्यूक 125 में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, एंड जैसे आपको पता ही है दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छा फीचर्स दे पाते हैं। प्लस दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाई फुली डिजिटल मीटर के साथ में इस बाइक में आपको गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं। इस वजह से भी दोस्तों KTM की जो बाइक्स होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। वही दोस्तों बात करते हैं बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन के बारे में, वो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, बाइक में LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। जैसे आपको पता ही दोस्तों यहाँ पे R15 आती है, MT आती है, हमारी अपाचे RTR आती है, इन सब बाइक्स में आपको पता है कि LED इंडिकेटर्स नहीं आते। एंड ऑब्वियसली दोस्तों आपको ड्यूक में LED इंडिकेटर्स आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बाइक का प्राइस ज्यादा होने का, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं 2,000-3,000 रुपये फर्क पड़ता है सीधे सीधे LED इंडिकेटर और बल्ब वाले इंडिकेटर में। तो ये भी एक रीजन है कि KTM की जो बाइक्स होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ड्यूक 125 में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल रही है जिस वजह से भाई KTM बाइक प्राइस बढ़ाया है। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो प्राइस है वो ठीक ठाक नहीं है, मतलब थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम होना था। एटलीस्ट दोस्तों ये बाइक का जो प्राइस है अगर 1,70,000 रुपीज के आसपास भी रहता तो लोग इस बाइक को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से ड्यूक 125 काफी अच्छी बाइक है। अब डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों को ये बाइक पसंद आती है या नहीं आती है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें।